सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर जो कि हम पिछले क्लासेस में बात करते हुए आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे चारों तरफ की जो एयर है, एयर अराउंड अस, उसके ऊपर। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में भी हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे हमारे चारों तरफ जो एयर है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक, कौन कौन सी गैसेस होते हैं, किस किस चीज़ से मिलकर के वो एयर बनी होती है, ये चीज़ें हमको आज की क्लास में देखनी है। जैसा कि हम पिछले क्लासेस में बात कर रहे थे, ठीक उसी के आगे आज की क्लास में भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो जिस प्रकार से आपने पिछले क्लासेस में ध्यान दिया था, पूरा अच्छे तरीके से समझा था चीज़ों को, और आज की क्लास में भी हम उसी तरीके से ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। रिवीजन जरूर करना है, घर जा कर के एक बार ज़रूर देखना है, ठीक है, और ध्यान पूरा सामने स्क्रीन पर बना कर रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या बातें करी थी अब तक कि एयर किस किस से मिलकर बनी होती है, एयर किस किस से मिलकर बनी होती है, कंपोनेंट्स ऑफ एयर क्या क्या होते हैं, है ना। हमने प्रीवियस क्लासेस में बात करी थी इसके ऊपर, वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक, इन सब से मिलकर के ये क्या है, इन एयर क्या है, इन सारे गैसेस का मिक्सचर है। वायु क्या है, इन सारी गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है, मतलब एयर में ये सारी गैसेस मिली होती हैं। अब कौन कितना होता है, कौन कितना होता है, तो सबसे ज़्यादा तो होता है नाइट्रोजन, देखो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर दूसरे नंबर पर होता है ऑक्सीजन, देखो उसके बाद थोड़ा सा कम ऑक्सीजन है, और फिर वे बाकी बची हुई जो भी गैसेज हैं ये सारी की सारी ये आ जाती हैं बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, ये आ जाती हैं बहुत कम अमाउंट में। तो वन बाई वन हमने इन सारी चीज़ों को देखा, जैसे सबसे पहले हमने देखा वाटर वेपर है ना, कहाँ होती है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फिर हमने देखा ऑक्सीजन को, ठीक है, क्या काम करता है, बर्निंग में काम करता है, जलाने के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा यही प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से चीज़ें जलती नहीं हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत छोटे भाग में रहता है, सफोकेटिंग होता है, दम घुटने वाली गैस होती है। प्लांट्स और एनिमल जो हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और डस्ट एंड स्मोक, तो जो जब चीज़ें जलाई जाती हैं उसके बाद क्या होती है, स्मोक यानी धूल उठती है, उसमें कुछ गैसेस होते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और डस्ट पार्टिकल्स जो है हमेशा हमारी एयर में प्रेजेंट रहते भी हैं। तो यहाँ तक की बातें मैं उम्मीद करता हूँ आपने अब तक बड़े ही ध्यान से, बड़े ही अच्छे तरीके से मन लगा करके सीखी होंगी, ठीक है। अब आज की क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हम कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जो डस्ट पार्टिकल्स वाला है, लास्ट वाला एक पार्ट है डस्ट पार्टिकल्स वाला, इसको आप अपने घर में भी कैसे चेक कर सकते हो, देखो आपने अपने घरों में देखा होगा, आपने अपने घरों में देखा होगा कि जब कोई किसी छेद से जो है सूरज की रोशनी आती है आपके घर में, किसी एक होल से जो है आपके घर में सूरज की रोशनी आती है, तो उसमें आपको रास्ता दिखाई देता होगा। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो ये दिख रहा है आपको, ये रास्ता दिख रहा है इसका, ये ऐसे दिख रहा है रास्ता, है ना, और ये ज़मीन पर पड़ता हुआ दिख रहा है सूरज की रोशनी, तो ये क्या है बच्चों, ये है हमको देखने को मिल रहा है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसे छोटे 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 डस्ट पार्टिकल सब जगह हैं पूरे कमरे में। अब यहाँ से लाइट आ रही है तो लाइट में हमको ये साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या पता चला कि हमारे आस पास जो है डस्ट पार्टिकल्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम एयर को क्या है, जब ये डस्ट पार्टिकल्स एयर में होते हैं, जब ये डस्ट पार्टिकल्स एयर में होते हैं तो ये हम जब सांस लेते हैं तो हमारे नाक से हमारे जो बॉडी है उसमें प्रवेश क्यों नहीं करते, है ना, ये भी तो डर है, ये भी तो खतरा है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जब हम सांस लेंगे तो हमारे अंदर हमारे लंग्स में चले जाएंगे, है ना, तो ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना
कि वी इनहेल, हम लोग क्या करते हैं, इनहेल मतलब सांस लेते हैं, हवा को अंदर खींचते हैं, एयर व्हेन वी ब्रीद मतलब जब हम सांस लेते हैं, जो ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है सांस लेने छोड़ने में, उसमें हम लोग सांस को जब अंदर लेते हैं तो वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीद नोस्ट्रिल्स, किससे, हमारे नाक के जो नथने होते हैं उनसे हम क्या करते हैं एयर को अंदर इनहेल करते हैं, समझ में आई बात। अब हमारे नाक के जो नोस्ट्रिल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर फाइन हेयर पतले पतले जो है बाल प्रेजेंट होते हैं, जो है ना आपको पता होगा फाइन हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट। म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, तो जो हमारे नाक के अंदर प्रेजेंट रहता है इसका क्या काम होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, म्यूकस आर प्रेजेंट, फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स, टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हमारे नाक में क्या रहते हैं, छोटे छोटे बाल रहते हैं, ठीक है, म्यूकस चिपचिपा पदार्थ रहता है, जिसकी वजह से जो हमारी एयर में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं ये हमारे जो फेफड़े हैं जो लंग्स हैं उसमें एंटर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब आप मुंह से सांस लेते हैं, मुंह खोल के सांस लेते हैं, तो आपके पेरेंट्स आपको डांट लगाते होंगे, मुंह से सांस हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि मुंह में हमको ये फाइन हेयर और ये म्यूकस देखने को नहीं मिलता है, तो मुंह से अगर सांस लेंगे तो ये डस्ट पार्टिकल्स हमारे मुंह के अंदर चले जाएंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिससे जो है हमें खतरा हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या बात पता लगी, अब अगर बात हम फाइनल करें अपनी, तो हमें क्या पता लगी कि हमारे जो एयर है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं। ठीक है, हमें क्या पता लगी, कंक्लूजन क्या बात लगी पता, कंक्लूजन जो है वो हमको ये पता लगा कि एयर में जो है, एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है, इनफैक्ट 99% वायु का 99% जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस एंड अदर गैसेस जो हैं ये सिर्फ 1% होती हैं, कितनी रहती हैं 1%, तो ये सारी गैसेस 1% रहती हैं, 99% जो एयर में है वो कौन सी गैस रहती है भाई, वो रहती है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो एयर में हमको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस देखने को मिलेंगी, तो किस हिसाब से रहती है हमको ये पता लगा, नोट डाउन करेंगे इसे, इस इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, ऑक्सीजन इन वाटर। अब जरा सोचिए कि हम जो मनुष्य हैं या फिर प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके चारों तरफ तो हर टाइम ऑक्सीजन रहती है ना, तो वो सांस ले सकते हैं। ठीक, लेकिन आप सोचिए जो जीव जो हैं पानी के अंदर रहते हैं उनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है, वो कैसे सांस लेते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं, आइए इस बात को समझते हैं। देखिए, जो ऑक्सीजन है ये जो है ये डिजॉल्व रहती है, डिजॉल्व मतलब मिली हुई रहती है, किसमें, वाटर में। ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर,
ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। और यहाँ से जो ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रहती है इसको ये जानवर के पास जो है, जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं ना, जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसे ही जानवरों के पास भी अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। जैसे अगर बात करें तो आपने सुना होगा कि जो जो फिश होती है, जो फिश होती है उसके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। जो फिश होती है उसके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। तो ये फिश क्या करती है, इन गिल्स के हेल्प से ये जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है इसको यूटिलाइज करती है और बाकी जो जो ऑक्सीजन है उसको सेपरेट करके उसको अपने सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करती है, ठीक है। बात समझ में आई। अब अच्छा, अगर आपको पता करना है कि पानी में ऑक्सीजन किस तरीके से घुली होती है, अगर आपको देखना है ये, तो उसके लिए आपके पास एक प्रैक्टिकल भी है। देखो आप क्या क्या करना है, ध्यान से देखिए। एक एक्टिविटी करनी है आपको छोटी सी, ठीक है, और इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, बहुत ही आसान काम करना है। आपको क्या करना है, एक बर्तन लेना है, ठीक है, और एक बर्तन में आपको क्या करना है, पानी को गर्म करना है, ठीक है। किसी मेटल के बर्तन में, एल्यूमिनियम का ले लीजिए या फिर स्टील का ले लीजिए, और उसमें क्या करो, उसमें पानी को गर्म करो, ठीक है। और जैसे पानी बॉयल होने लगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ सतह पर छोटे 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 आपको क्या देखने को मिलते हैं, बुलबुले देखने को मिलते हैं, देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर फिगर में, देखने को मिल रहे हैं। ऐसी तो दिखता है आपको, है ना, जब आप पानी गर्म करते हैं तो पानी के सतह पर आपको ऐसे छोटे छोटे बुलबुले देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बुलबुले कहाँ से आए, ये बुलबुले कहाँ से आए, तो जब ये वाटर है, इस वाटर के अंदर क्या है, इस वाटर के अंदर एयर डिजॉल्व है, एयर मतलब ऑक्सीजन डिजॉल्व है, तो ये बुलबुले वहाँ से आए। जैसे आप पानी को गर्म करते करने लगते हैं तो जब पानी हल्का गुनगुना होता है तो पानी के अंदर जो एयर डिजॉल्व रहती है, जो वायु घुली हुई रहती है, वो आपको दिखने लगती है बुलबुले के रूप में। जैसे आप इसको ज़्यादा गर्म करोगे तो फिर आपको ये बुलबुले जो है गायब होते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, इस तरीके से जो एनिमल्स हैं जो कि पानी में रहते हैं वो किस तरीके से ऑक्सीजन यानी एयर को लेते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या समझा, इस एक्टिविटी से हमने ये बात समझी, इस एक्टिविटी से हमने ये बात समझी कि एयर इज डिजॉल्व्ड, एयर मतलब ऑक्सीजन है बच्चों, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, एयर बोल रहे कहीं पर हम ऑक्सीजन बोल रहे हैं, वायु और ऑक्सीजन का एक ही मतलब है, एयर या फिर ऑक्सीजन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, एज वी हीट द वाटर टू बिगिन विथ, जैसे ही पानी गर्म होने लगता है, एज वी हीट द वाटर बबल्स कैन बी सीन, कहाँ से आते हैं बबल्स, कम फ्रॉम एयर, ओके। नेक्स्ट, ये तो ढंग से लिख लेते हैं इसे, बबल्स कम फ्रॉम एयर कैन बी सीन, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, व्हेन वी कंटिन्यू हीटिंग द वाटर द एयर डिजॉल्व इन इट, नोट डाउन करेंगे इसे जल्दी से। चलिए, तो अब जिस तरीके से हमने देखा वाटर में एनिमल्स रहते हैं, काफ़ी सारे एनिमल्स जो हैं वो सॉइल में भी रहते हैं,
काफ़ी सारे एनिमल्स जो हैं वो मिट्टी में भी रहते हैं, सॉइल में भी रहते हैं। तो सॉइल में ऑक्सीजन किस तरीके से घुली हुई होती है, आइए ज़रा चेक करते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। ओके, सो एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, देखिए जरा ध्यान से। टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास। एक बर्तन में आप क्या करें, मिट्टी का एक छोटा सा लंप, मतलब छोटा सा एक जो उसका जो अमाउंट होता है वो आपको लेना है, ठीक है, सूखी हुई मिट्टी का। एड वाटर टू इट एंड नोट व्हाट हैपेंस। आपको उसमें पानी मिलाना है और फिर देखना है कि क्या होता है, ठीक है। ड्राई सॉइल होनी चाहिए, सूखी हुई मिट्टी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे, देखो अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो ये छोटे छोटे हमको बबल्स देखने को मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे बबल्स देखने को हमको मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या पता लगा इससे, हमको ये पता लगा कि जो ये जो बबल्स आ रहे हैं ये किसकी वजह से आ रहे हैं, ये एयर की वजह से आ रहे हैं। किसकी वजह से आ रहे हैं, एयर की वजह से, मतलब कि मिट्टी में भी एयर घुली हुई होती है। जैसे ही हमने पानी डाला वैसे ही पानी की जो एयर थी मिट्टी में घुली हुई वो हटी और उसके हम वो हमको बबल्स के रूप में हटती हुई दिखाई दी, ठीक है। तो जो जानवर रहते हैं वो क्या करते हैं, इस मिट्टी के अंदर ये जो एयर घुली हुई रहती है मिट्टी में, इसको क्या करते हैं, इसको इससे ही वो रेस्पिरेशन करते हैं, इससे ही वो सांस लेते हैं। वो क्या करते हैं, ज़मीन में गहराई तक छेद कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ से ये एयर को क्या कर लेते हैं, ईजिली रेस्पिरेट कर लेते हैं। द ऑर्गेनिजम्स That live inside the soil the organisms that live inside the soil and the plant roots क्योंकि पेड़ की जो जड़ होती है, roots जो होती है plant की, वो भी कहाँ रहती हैं, वो भी मिट्टी के अंदर रहती है ना। एंड द प्लांट रूट्स रिस्पायर, यानी कि वो सांस लेते हैं, इन द एयर डिजॉल्व, मिट्टी में जो सॉइल डिजॉल्व रहती है उसके साथ क्या होता है, उसके साथ ही क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। उसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म जो जानवर रहते हैं, जैसे आपको पता होगा कि जो अर्थवर्म है, जो कैचुआ है, वो क्या करता है, मिट्टी के अंदर ही रहता है ना, तो वो क्या करते हैं, इसी तरीके से सांस लेते हैं मिट्टी से, ठीक है। तो एनिमल्स लिविंग, ये जस्ट समझने के लिए लिखवा रहा हूँ, उसको याद नहीं करना है, ठीक है, समझने के लिए बात हम लिख रहे हैं। लिविंग इन द सॉइल which make air to move in and out, ठीक है। जो जानवर रहते हैं वो क्या करते हैं, जमीन में आपने देखा होगा गहरे गहरे वो छेद कर देते हैं, होल कर देते हैं। उन होल से क्या फ़ायदा मिलता है कि जो हवा है वो आ जा सकती है, ठीक है। अब जब बारिश हो जाती है बहुत तेज, जब बारिश हो जाती है बहुत तेज, तब क्या होता है, तो when it rains heavily, आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कैचुए आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते होंगे, when it rains heavily, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये छेद क्या हो जाते हैं, these holes, ये जो छेद होते हैं वो आर फिल्ड बाय वाटर। अब पानी से अगर ये छेद भर गए तो क्या होगा, हवा के आने जाने का जो रास्ता है वो तो बंद हो जाएगा। फिर इस केस में जानवर क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जंतु होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इन दिस सिचुएशन ऑर्गेनिजम्स लिविंग
इन या फिर एनिमल्स को लिख लेते हैं, एनिमल्स लिविंग इन सॉइल हैव टू कम आउट. इस केस में क्या करना पड़ता है, उनको बाहर आना पड़ता है फॉर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के लिए जब पानी भर जाएगा बहुत ज़्यादा, जब हैवी रेन हो जाएगी तो क्या होता है, तो उनको बाहर आना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेंगे अर्थवर्म. फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, केंचुआ. केंचुआ आपने देखे, केंचुए देखे होंगे आपने, जब बहुत बारिश होती है तो हमको हर तरफ केंचुए देखने को मिलते हैं मिट्टी वाली जगहों पर, है ना. क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारी बारिश में वो जो केंचुए ने ज़मीन में छेद बना रखा था जहाँ वो रहता था, उसमें जो है पानी भर जा गया, पानी भर गया होगा तो इसीलिए वो बाहर आ गया, क्योंकि उसको रेस्पिरेशन करना था, उसको सांस लेनी थी. चलिए नोट डाउन करेंगे इस बात को ज़रा जल्दी से और फिर हम आगे की बातें करते हैं. सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा और कुछ आपने क्लास में आज आपको मज़ा आया होगा आज की क्लास में. और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज़ करके ज़रूर लाएंगे. मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस.